लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ में हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। भोपाल से इंदौर जा रही जीवन मोटर्स कंपनी की एक कार भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर नाले में गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की हुई मौत। छिंदवाड़ा पुलिस टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से पुलिस ने 14 पिस्टल, 6 कट्टे, 2 रिवॉल्वर और 85 कारतूस किए बरामद। कटिहार में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया। ससुराल पक्ष के लोगों ने 2 लाख की मांग को लेकर बहू के साथ की मारपीट। भोपाल से इंदौर जा रही जीवन मोटर्स कंपनी की एक कार भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर ग्राम जताखेड़ा के पास नाले में गिर गई। इस भीषण हादसे में कार में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने होमगार्ड के दल को बुलाकर रेस्क्यू शुरू किया। घटनास्थल से 3 मृतक के शव और वहां से 1 किलोमीटर दूर 4थे मृतक का शव रेस्क्यू किया। 5वीं मृतक महिला की तलाश जारी है। सभी मृतक भोपाल के जीवन मोटर्स के कर्मचारी थे जो रूटीन प्रशिक्षण के लिए इंदौर आ रहे थे। सभी 5ों मृतक संयोग प्रताप सिंह जादौन, अजय आचार्य, फरहान, तनिष्का तलरेजा और कार ड्राइवर नसीम खान भोपाल के रहने वाले हैं। मंडी थाना पुलिस ने शव को निकालकर जिला अस्पताल भिजवा दिया है। वहां से उन्हें पीएम के लिए भेजा गया है। मौके पर मौजूद एडीएम वीके चतुर्वेदी ने बताया कि 5ों मृतकों को आरबीसी के तहत बाढ़ जनित हादसे में मृत होने पर 4-4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें जानकारी मिली है कि जो एक कार आ रही थी भोपाल इंदौर के लिए कि जीवन मोटर वर्कशॉप वालों के उसमें कर्मचारी थे, अचानक वे एक जो पुलिया है जताखेड़ा उसमें कार समा गई है और उसमें से 5 लोग सुन रहे हैं कि डेथ हुई है, जिसमें 4 लोगों की डेड बॉडी मिल गई है। एक की सर्चिंग की जा रही है। सर, प्रशासन ने क्या संज्ञान लिया है? सर, प्रशासन ने तुरंत यहाँ पर होमगार्ड के जवानों को भेजा है, तैराकों को भेजा है और सर्चिंग की कार्रवाई की है। और दूसरा, इनके सभी को 4-4 लाख रुपये प्रति परिवार आरबीसी के अंतर्गत सहायता राशि मंजूर की जा रही है। छिंदवाड़ा पुलिस की एक टीम ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना इमरान आलम को पकड़कर उनके पास से 14 पिस्टल, 6 कट्टे, 2 रिवॉल्वर और 85 कारतूस बरामद किए हैं। छिंदवाड़ा पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक मनोज राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग के निर्देश अनुसार अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और 8 सितंबर 19 को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कोतवाली छिंदवाड़ा और प्रभारी थाना कुंडीपुरा ने टीम बनाकर इमरान आलम को पकड़ा। आरोपियों से गहन पूछताछ से पता चला कि वे लोग बुरहानपुर, खरगोन, मैनपुरी से अवैध हथियारों की तस्करी कर छिंदवाड़ा में बेचने लाए थे। उसके सभी साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है तथा जिनसे हथियार खरीदे और जिन्हें बेचे उनका पता लगाने में जुट गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गिरोह को और हथियारों को बरामद करने में जुड़ी पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। छिंदवाड़ा से उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में पिछले कुछ समय में अवैध हथियारों से कई घटनाएं हुई थी, जिसमें हत्या, डकैती आदि घटनाएं पूर्व में हो चुकी थी। हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि ऐसे हथियारों के स्रोत क्या हैं जहाँ से ये हथियार छिंदवाड़ा तक आ रहे हैं। उसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था। इस टीम द्वारा पिछले 20 से 25 दिन से लगातार मेहनत की जा रही थी। कुछ मुखबिरों को इसमें सक्रिय किया गया था। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण सूचना TI कोतवाली के माध्यम से प्राप्त हुई कि चांदा मेटा का रहने वाला इमरान नाम का व्यक्ति अवैध हथियारों को बाहर से ले आता है और यहाँ पर हथियार और कारतूस लोगों को बेच रहा है। उस सूचना पर TI कोतवाली विनोद कुशवा, TI कुंडीपुरा एवं उनकी टीम द्वारा लगातार जानकारी प्राप्त करके इमरान को पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में पता चला कि यहाँ के 4 से 5 अन्य व्यक्ति हैं जो उसके एजेंट के रूप में उसके साथ काम करते हैं, जिसमें से जुबेर, राजा, अंबिका एवं अन्य इसी तरह से 5 साथी उसके साथ में थे, जिनसे पूछताछ जब पुलिस ने की और इनके घरों की और इनके पास तलाशी की गई तो पूरे अभी तक इनके कब्जे से हम लोगों ने
कुल 22 अवैध पिस्टल, रिवाल्वर और 15 बोर के कट्टे हम लोगों ने बरामद किए हैं। इनके पास से हथियारों के अलावा बड़ी मात्रा में अवैध कारतूस भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 32 बोर के रिवाल्वर और पिस्टल के लगभग 120 कारतूस हैं, साथ ही 12 बोर के लगभग 40 कारतूस, कुल 160 कारतूस हम लोगों को अभी तक इनसे बरामदगी हुई है। साथ ही इनके पास से हथियार बनाने के और रिपेयरिंग के कई सामान भी मिले हैं, जिनको भी पुलिस ने जब्त किया है। इनसे पूछताछ के बाद ये भी पता चला है कि इनके द्वारा अवैध शस्त्र खरगोन और बुरहानपुर के रहने वाले सिकलीगरों से खरीदा जाता था और यहाँ पर ये अपने साथियों के माध्यम से बेचने का प्रयास करते हैं। जो कारतूस मिले हैं उसके बारे में जानकारी मिली है कि ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले से ये कारतूस ले आते थे और यहाँ पर अपने साथियों को बेचने का काम करते थे। सभी आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत आज कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने के पश्चात इनसे पुलिस रिमांड हम लोग ले रहे हैं। ये इस वर्ष की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की गई है। हम लोग को और भी जानकारियां मिली हैं कि इनके द्वारा पिछले कुछ समय से काफ़ी शस्त्र आसपास के क्षेत्रों में बेचे गए हैं, उस पर भी पुलिस हमारी लगातार काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम और बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद करेंगे। कटिहार बारसोई प्रखंड के आबादपुर नया टोला में एक मामला दहेज को लेकर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मिनी खातून के पति मोहम्मद नियाज और उनके परिवार के लोगों के द्वारा दहेज को लेकर महिला को मारा पीटा गया। महिला का इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। मिनी खातून के भाई मोहम्मद दिलावर ने बताया कि शादी उसकी बहन की शादी को 12 साल हो गए। उसके पति मोहम्मद नियाज दिल्ली में काम करते हैं। शादी के वक्त मोहम्मद नियाज को दहेज के रूप में 60,000 एक गाड़ी और सोना चांदी दिया था। उसके बाद भी उनके परिजनों के द्वारा 2 लाख की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर ससुराल के सभी पक्षों ने उसके साथ मारपीट की। मिनी खातून के साथ उसके पति मोहम्मद नियाज, ससुर मोहम्मद मंजूर, सास असगरी खातून, ननन नुसरत रोजी सुम्बा और आजमी ने मारपीट की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। क्या हुआ? बोल रहा है जो टाका लाओ, तो बहुत पीटेंगे। बहुत पीटा है सर मेरा पति। क्या नाम पति का? नियाज आलम। कब का मामला है? और परसों। पाँच तारीख। तो उस समय आपको पति आपको घर से भगा दिया? हाँ, भगा दिया। सास ससुर और पति और नाना बहुत पीटा था। क्या बोल के बोला है जो टाका लाओ, 2 लाख टाका। कहाँ के निवासी हो? कौन जी? आपका घर कहाँ है? आबादपुर। पति का घर? आबादपुर। आबादपुर। हाँ, क्या करते हैं पति? का नहीं रहा, वही बोल रहा है जो वो काम कर रहा है दिल्ली में। दिल्ली में काम कर रहा है? हाँ। तो वो दिल्ली से फोन किया था पैसे के लिए? घर में है, घर में है। घर में आके? हाँ, मारा पीटा उसके? बहुत पीटा है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मीनी खातून। पति का क्या नाम है? नियाज आलम। सास का? सास का असगरी खातून। मंजूर आलम। चारों के द्वारा? हाँ, और नाना सब है। नाना सब है सर। ननद के क्या? हाँ, पाँच है। मुस्तरी सुम्मा नुसरत आजमी। और नहीं है? पाँच है ना? पाँच है ना, मुस्तरी सुम्मा और सुम्मा मुस्तरी नुसरत आजमी और रोजी। आपको दहेज के लिए उत्पीड़न किया गया, मारा पीटा गया, उसके बाद आपको घर से भगा दिया? हाँ, भगा दिया सर। अभी कहाँ रह रहे? दोस्त नैयर आ गए सर। अभी कहाँ है? अभी डॉक्टर के पास है, कटिहार सदर थे सर। बहुत पीटा था, भगा दिया घर में। क्या हुआ था? पीटा था बहुत ना सर, भगा दिए थे। तो हम दूसरे के घर रहे थे, तब भाई लोग गया, पापा लोग तब लाया यहाँ बेहोश पर गए। हाँ, पहले बारसो गए थे। तब मेरा बहन को जो है तो आबादपुर शादी दिलाए हैं। आबादपुर शादी दिलाने के बाद जो है कुछ दिन के बाद से उसको मारना पीटना चालू कर दिया। तो हम लोग कई बार समझाने गए, समझा बुझा के, इंसाफ पंचायत हुआ, हम लोग समझा बुझा के आए जो देखो तुम ऐसा करोगे तो हम लोग को परेशानी हो रहा है।
तो वो नहीं माना, तो लास्ट में जो है तो 5 तारीख को देखते हैं बहुत ज़ोर उसको पीटा गया था। तो उसके बाद उससे वहाँ से फ़ोन आया घर में, मेरा घर धचना है, बारसोई धचना, तो वहाँ फ़ोन आया। तो फ़ोन के माध्यम से हम वहाँ फिर पहुँचे आबादपुर, तो देख रहे हैं हालात बहुत गंभीर था, मारा पीटा बहुत जोर गया था। तो वहाँ से हम लेके आए बारसोई हॉस्पिटल, वहाँ से जो है तो बारसोई हॉस्पिटल से रेफ़र किया गया कटिहार, तो अभी कटिहार में है। अब जो है तो वो पैसा मांग रहा है 2 लाख रुपया मेरा बहन के पास, जो 2 लाख रुपया लाओ तभी हम तुमको घर में रखेंगे, नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती तुम रहने लगोगे तो तुमको मर्डर कर देंगे हम। क्या नाम आपकी बहन का? मीनी खातून। किनके द्वारा मर्डर करने की बात? अपने से बोला। कौन बोला? उसका पति मोहम्मद नियाज। मोहम्मद नियाज जी, उसका दिल्ली में रहता है, उसका पति और उसका ससुर, उसका सास, ननद, ये सब मिल करके जो है तो मारे पीटे हैं उनको, मेरा बहन को, दहेज की मांग के लिए। हम लोग पहले 5 बोरी सोना, 1 गाड़ी, 60,000 रुपया दे चुके हैं जिस टाइम में शादी हुआ था। गोदरेज सो जी, शादी के कितने साल? शादी का मेरा मोटा मोटी 10-12 साल हो गया होगा, 3 बच्चा है। अब परेशान कर रहा, वो पूरा जेवर उबर सब बेच दिया पहले, अब बेच करके खा गया, किसको दिया, क्या किया नहीं कर सकेंगे। अब जो है उनके पास शायद पैसा का कमी हुई होगी, तो हमारे बहन को तंग करके 2 लाख रुपया मांग रहा है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वही नसलागंज के कई वार्डों में सड़कें लबालब हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर है, साथ ही निचली बस्तियों में पानी भराव की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सीहोर कलेक्टर डॉक्टर अजय गुप्ता ने दिनांक 9 सितंबर 2019 को जिले के प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय अशासकीय तथा केंद्रीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया था। सितंबर में भी बारिश का सितम जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वही तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। लगातार बारिश से नसलागंज नगर के ग्राम हाथी घाट में नदी पर बना पुल पानी के बहाव में बह गया। पानी के तेज बहाव ने फिर आवागमन बाधित कर दिया है। नसलागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सागर में मानवता तब शर्मिशार हो गई जब ट्रेन से कटे प्रेमी जोड़ों की लाश के ऊपर से ट्रेनें गुजरती रही और पुलिस ने ट्रैक पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। करीब 1 घंटे तक ट्रेनें निकलती रही और सभी तमाशबीन बस देखते रहे। आज सुबह मकरौनिया के 27 नंबर गेट के पास रेलवे ट्रैक पर ढाना गांव के रहने वाले नीलकंठ मिश्रा और ज्योति गौतम नाम के प्रेमी जोड़े की ट्रेन से कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। लोगों को जब ये जानकारी मिली तब तक ट्रैक पर कई लोग पहुंच चुके थे। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी करीब 1 घंटे तक ना तो कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ना ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेनें लगातार इन लाशों पर से गुजर रही थी, शव शत विशत होते जा रहे थे, लेकिन उनकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं था। सभी लोग तमाशबीन बनकर नजारा देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सूचना मिली थी कि 27-28 नंबर गेट के बीच में एक युवक की युवती जो है ट्रेन से कट गए हैं। मौके पर आए हैं, एक युवक की युवती की लाश जो है ट्रेन कटी हुई मिली हुई है, जिसमें मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और उसकी पहचान कार्रवाई की जा रही है। सर, ये प्रेमी जुड़ा लग रहा वैसा प्रतीत होता है, जांच में सभी जो जो तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की। सर, कोई जानकारी मिल पाई कि ये कहाँ के हैं कुछ भी? हाँ, अभी ऐसा पता चल रहा है कि ये लोग ढाना के रहने वाले हैं। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।